बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम नाज़िम, मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का सूरा। ये शामिल करती हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एक बार फिर 15 अक्टूबर को इस्लामाबादी चौक पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। मीडिया न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। इजलास के बाद सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम की जानिब से जारी ऐलामिया में कहा गया कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसके लिए मरकजी कमेटी से लेकर इलाकई सतह तक तमाम तंजीमी जुम्मेदारान और विंग्स को तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ऐलामिया के मुताबिक 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नजर पंजाब के जिला में होने वाला एहतजाज मंसूख कर दिया गया है, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। सियासी कमेटी का कहना है कि मैंडेट चोर आइन व कानून से बेजार नजायज हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर आमादा नजर नहीं आ रहे। अडियाला में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान को बतौर खास बरबरीत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। ऐलामिया में कहा गया कि इमरान की जिंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझ कर संगीन खतरात से दोचार करने के लिए इनके तमाम बुनियादी व इंसानी हकूक सलब किए गए हैं।